और दोस्तों सेल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो ओसीटी हो, एसीटी हो या एमटीटी हो, इसके अतिरिक्त में अन्य कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें स्टील सेक्टर से रिलेटेड, सेल से जुड़ी हुई क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सेल के ये यूनिट कौन से स्टेट में स्थित है, इसका कैपेसिटी कितना है और इसका किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी, इन सभी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको एक फिंगर रोल ट्रिप टिप भी दिया जाएगा, जो कि आपको इन सेल के जितने भी यूनिट्स हैं उनका कौन से स्टेट में स्थित है और उसका क्या प्रोडक्शन है, इसको याद करने में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की जो है महारत्न कंपनियों में से एक है, पब्लिक सर्विस यूनिट के अंतर्गत में आता है, पीएसयूस में से एक है। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसका देखेंगे तो हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड में स्टील प्रोड्यूसर में सेल का स्थान जो है 20वां स्थान पर आता है। इसमें हॉट मेटल प्रेजेंट कैपेसिटीज का प्रोडक्शन का हॉट मेटल का 23.5 MTPA है। गवर्नमेंट ऑनरशिप सेल के अंतर्गत में देखेंगे तो 64.9% की गवर्नमेंट की ऑनरशिप है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। ये महारत्न कंपनी है और इसको महारत्न का दर्जा 2010 में मिला था। प्रेजेंट 2021 में इसके चेयरमैन जो है सोमा मंडल जी हैं और इसमें हॉट मेटल में फ्यूचर में इसका हॉट मेटल प्रोडक्शन का प्लानिंग जो है 50 MTPA है, जिसका अभी इसमें मॉडर्नाइजेशन का बात चल रहा है और उसको हरी झंडी न्यू दिल्ली से मिल चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग कि सेल की जो मेजर यूनिट्स हैं कौन कौन सी हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में कि सेल की बोकारो स्टील प्लांट की यूनिट कौन से स्टेट में स्थित है या किस जगह पर किस शहर में स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट BSP जो कि छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है राउरकेला स्टील प्लांट जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है। BSL बोकारो स्टील लिमिटेड जो कि बोकारो झारखंड में है। ISP बर्नपुर आसनसोल वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में आता है। इसके अतिरिक्त सेल की 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं और चंद्रपुर फेरो एलॉय जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये फेरो एलॉय का एक स्टील प्लांट है, सेल के अंतर्गत में आता है। साथ ही साथ में NTPC और सेल इन दोनों के मर्जर से NSPCL बना है। आगे हम देखते हैं राउरकेला स्टील प्लांट का डिटेल। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। प्रेजेंट 2021 में इसकी कैपेसिटी जो है 4.5 MTPA है और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में बना था। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इन पब्लिक सेक्टर फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया राउरकेला स्टील प्लांट है। दूसरा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। सेटअप जो है इसका सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। प्रेजेंट में कैपेसिटी 7.5 MTPA है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट बना हुआ था। रेल प्रोड्यूशन में ये जो है नंबर वन स्टील प्लांट है। सेल की महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें रेल का प्रोडक्शन किया जाता है और इंडियन रेलवे को रेल इसका सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ पूरे विश्व में भी भेजा जाता है। कुछ समय से JSPL के द्वारा भी रेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तीसरा मेजर यूनिट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये ब्रिटेन के द्वारा जो है सेटअप किया गया था। इसका प्रेजेंट कैपेसिटी 2.5 MTPA है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये भी बनाया गया था। वेस्ट बंगाल में स्थित है दुर्गापुर स्टील प्लांट। चौथा स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, BSL के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये सोवियत संघ रूस की सहायता से इसका सेटअप इंस्टॉलमेंट किया गया था। प्रेजेंट कैपेसिटी 5.8 MTPA है। यही एक स्टील प्लांट है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में बनाया गया था और ये देश का फर्स्ट इंडिजीनियस स्टील प्लांट है। स्वदेशी स्टील प्लांट अगर पूछेगा कि कौन है देश का, तो वो बोकारो स्टील प्लांट है।
पांचवा मेजर यूनिट है आईएसपी बर्नपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, परंतु सेल के साथ इसका ज्वाइंट वेंचर अमलगमेटेड जो है 16 फरवरी 2006 को हुआ है। प्रेजेंट में इसकी कैपेसिटी 2.9 एमटीपीए है। इसमें भारत का सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इंस्टॉल्ड है और उसकी कैपेसिटी भी 2.9 एमटीपीए है। आईएसपी का ब्लास्ट फर्नेस है, उसका वॉल्यूम जो है 4161 मीटर क्यूब है, जिसका नाम कल्याणी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कौन से स्टील प्लांट में है और उसका क्या नाम है, तो कल्याणी नाम है और आईएसपी बर्णपुर में स्थित है और इसका वॉल्यूम जो है 4161 है। ये आप फिंगर अपना इस प्रकार का ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर R9 का मतलब है राउरकेला स्टील प्लांट और 9 का मतलब है 1959 में बना था। B9 का मतलब है बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट 1959 में बना था। I का मतलब इसको स्टील प्लांट और 9918 हो गया, तो 1918 में बना था। B5 मतलब बोकारो स्टील प्लांट 1965 में, दुर्गापुर स्टील प्लांट 1965 में। और चार उंगली में GRRB लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापना हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट रूस की, बोकारो भी रूस का और दुर्गापुर जो है बी से मतलब ब्रिटिश का। तो ये थंब रूल है, आप इसको याद रखिएगा और एग्जाम में आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स भी अच्छा लगा होगा और सेल से जुड़ी हुई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।